हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल समता सिंह पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 36 चेस्ट की प्रिंसेस कट कटिंग बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा मेज़रमेंट है, इसमें मैंने चेस्ट मेरा है 36, वेस्ट है 26 और शोल्डर मैं लूँगी इसमें 5.5 इंच और बाजू की लेंथ मेरी है 13 इंच। फिटिंग इसकी है 5 इंच और इसकी लंबाई जो है ब्लाउज़ की वो है 13 इंच। पीछे का गला है 10 इंच, आगे का गला है 6.5 इंच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आगे का और पीछे का कटिंग बताऊंगी, फ्रंट और बैक में। इसमें मैं बाजू की फिट नहीं दिखाऊंगी आपको, आपका वीडियो। यहाँ पर मैं लंबाई लूँगी 13 इंच प्लस 1.5 इंच और है। यहाँ पर 13 इंच आ रहा है और इसमें प्लस 1.5 इंच और मैं करूँगी। इसको लाइन बिल्कुल सीधी कर लेंगे। ये मेरी तैयार होगी और इसमें मैंने 1.5 इंच और भी प्लस किया है। शोल्डर में ले लूँगी यहाँ पे 5.5 इंच। आर्म होल भी मेरा 5.5 इंच है। अभी चेस्ट है 36 तो हम यहाँ पे 9 लगाएंगे। इसमें 1 इंच ये प्रिंस कट है तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। इसके अलावा भी हमें 1.5 इंच रखना है मार्जिन के लिए। उसके बाद हमारा वेस्ट है 26 इंच। वेस्ट हमारा है 26 तो हम यहाँ 6.5 रख लेंगे, 6.5 इंच। यहाँ पे 1 इंच डॉट कर रख लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। लाइन से इस लाइन को मिला देंगे, इधर भी हम मिला देंगे। ये लाइन मेरी थोड़ी तिरछी हो गई थी तो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अभी ये बैक साइड है तो इसमें मैं 1.5 इंच का राउंड रखूंगी, इसका हमें हाफ करना है। आप ऐसे करके देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ऐसे। ये हमारा निकला है पॉइंट, यहाँ से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। थोड़ा सा और अच्छे से राउंड देते हुए तो मिला देंगे इधर। इधर नेक हम ले लेंगे 2.5 इंच। ये बैक साइड है तो इसमें हम पीछे का ले लेंगे 10 इंच और यहाँ से हम ले लेंगे 3 इंच। और ये बॉक्स बना लेंगे यहाँ से।
यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे, 1 इंच का राउंड शेप देना है। थोड़ा सा बाहर निकालते हुए इसको अच्छे से मिला के राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा निशान लग गया है। अभी मैं इसको जो है कट कर लूँगी। ये हम अभी कट कर लेंगे, उसके बाद कपड़े पे काटेंगे। अभी इसका नेक नहीं काटेंगे, क्योंकि यही ये पेपर रख के हम पीछे का बैक साइड कपड़े पे कट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये मैंने पेपर इसी पे रख के बैक साइड की कटिंग कर दी है। अभी इसका नेक नहीं काटेंगे, क्योंकि इसी पे मैं फ्रंट भी बताऊँगी आपको। अभी ये कपड़ा हटा देते हैं। जो स्ट्रिप है इस पर हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आया है। अभी हम आपको ये बता देते हैं, इधर से हमने ये बेल्ट वाला बन रहा है, तो यहाँ पे बेल्ट का निशान लगा लेंगे 3 इंच, और इधर से हम 2.5 इंच ले लेंगे। अगर आप बेल्ट वाला नहीं बना रहे तो ये जो टक्स है इसका निशान आप यहाँ तक लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये बेल्ट वाला बनाऊँगी प्रिंसेस कट। ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ पे, आप इस इधर से सेंटर निकालेंगे इसका सीधे रख के यहाँ पे लगा लेंगे निशान। यहाँ से हम 1 इंच इधर रखेंगे और 1 इंच इधर रखेंगे और 2.5 इंच बीच में रखेंगे। और यहाँ सेंटर से मिलाते हुए इसको ले आएंगे। इसको अच्छे से शेप दे देंगे। ये निशान अभी लग गया है। ये बेल्ट का निशान है, मेरी थोड़ी स्केच कम चल रही है इसलिए ठीक से दिखा नहीं, तो अभी आप देख सकते हो। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले हम बेल्ट को कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे।
भाई प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। इसमें मैंने आपको आगे का गला नहीं बताया, आप वो भी देख लीजिए। इसे मैंने बैक साइड लगा रखा था निशान, तो अभी इसी में मैं फ्रंट का दिखा देती हूँ। ये 6.5 इंच का मैंने लगा दिया, यहाँ से 2.5 इंच का ले लेती हूँ। इसको 3 इंच नहीं करना है इधर, इसमें पीछे में तो मैंने 3 इंच कर दिया क्योंकि पीछे का तो ब्रॉड हो सकता है, आगे हम ब्रॉड ज़्यादा नहीं कर सकते। आप राउंड शेप देते हुए ये हमारा आगे का गला कटे। इसमें भी मैं थोड़ा सा झुकाव के लिए हाफ पॉइंट रख दूंगी यहाँ से, कि मेरे शोल्डर नीचे को नहीं आए। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। आप ऐसे इसको स्टिच कर सकते हो, मैं स्टिच नहीं दिखा रही हूँ। अब ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट को आप बीच में कट करके लगा सकते हैं। ये मेरी कटिंग हो चुकी है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।